बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना। नीचे वाला शॉट बाद में खींचते हैं, अभी यहीं से मैं आपसे पूछ के कर लेता हूँ, इतना सब कंप्लीट कर गांव वाला करके कोई सब कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 3 साल से आ रहे हैं और एक पूरा बना दिया, इसे कोई रोकना मना नहीं। वहाँ उसका पुस्ता काट दिया, देखो वहाँ उसका बेचारे का पुस्ता तोड़ दिया है, बाहर तो है यहाँ पर देखो कम से कम बंदा आधा दिखा डाल देगी 10 लाख की बंदा जी। बोला मेरे साथ दीपक जोशी जी, जो कि सलान गांव में हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर वहीं सालों साल इनका बचपन यहाँ गुजरा है, इस पहाड़ के क्षेत्र में जो कि मसूरी क्षेत्र में आता है। सलान गांव मसूरी रोड के ठीक साथ साथ में ही स्थित है। यहाँ जिस प्रकार की लूट हो रही है, जो कि NGT एक्ट 2010 का खुला उल्लंघन है और तमाम अन्य MDDO की आंख मूंदी हुई है, तमाम करप्शन के बीच मैं यशपाल आर्य जी के परिवार के द्वारा खरीदी हुई इस जमीन के ऊपर हूं। और दीपक जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो खसना खतौनी जो भी नंबर है, इसका क्या है नंबर? इसका हमने जो जांच करी है, इसमें खसा नंबर 156 पाया गया है जी जी। और ये जब ये पुस्ता लग रहा था, हमने काफी विरोध किया इसका। अच्छा, पहले पे आप ये बताइए कि किन के नाम पर ये है, किन दो? ये जो हमने चेक किया है वो आई थिंक रेखा आर्य और उनके जो पति आई थिंक संजीव आर्य के नाम, संजीव आर्य के नाम पर है। अच्छा, ये जो पुश्ता इस इलाके में ये जो लगा हुआ है, ये पुश्ता जल स्रोत के ठीक सामने है, जो कि बरसाती नाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो नाला है, इस पे मुझे ये बताइए कि ये पहला तो ये धन आया कहाँ से, आपकी जानकारी कहाँ तक है? हमें जानकारी ये मिले कि ये आपदा में लगाया गया है सरकारी, यानी ये जो पिछले दिनों जो आपदा आई थी पिछले सालों में, उससे जो फंड मिला है उससे यशपाल आर्य जी की व्यक्तिगत संपत्ति के लिए पुश्ते बनाए गए। बिल्कुल। और ये अतिक्रमण है आपके? बिल्कुल अतिक्रमण है ये। और ये जमीन जो है पूरी, इन्होंने काफी जमीन जो है यहाँ पे पेड़ बेड़ थे, यहाँ लगे पेड़ सारे काट दिए गए हैं इसमें से। अच्छा। और ये जमीन को बढ़ाया गया है, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ जी, ये जमीन बढ़ाई गई है या ये जमीन, ये प्लॉट ऐसी थी? नहीं नहीं, ये प्लॉट यहाँ तक ऐसी थी, आगे ये बढ़ा गया है, कम से कम बढ़ाया गया है। और हमने इसका विरोध भी किया था, या पंचायत के लोग भी यहाँ पे आए, यानी ये पुश्ते कृत्रिम पुश्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वास्तविक उनकी जमीने नहीं है, ये जमीने क्रिएट की गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या गई, हमने पंचायत में यहाँ लोगों को बुलाया लेकिन विरोध करा, लेकिन पंचायत ने भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। ये पहाड़ी क्षेत्र है और मैं ये देख रहा हूँ कि सब समतलीकरण हुआ है। ये आपको लगता है इस इलाके में ऐसा होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन को ध्यान में रखते हुए यहाँ सारा ग्रीन होना चाहिए था। ये सारा समतलीकरण किया गया है, यानी कि एक किस्म से ये लूट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन को अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण किया हुआ है जो बिल्कुल गलत है। और सारी इन्होंने जो NGT एक्ट जो आपका 2010 है बिल्कुल उसका उल्लंघन है सीधा सीधा, क्योंकि ग्रीनरी को जो है यहाँ पे आपका सरकार जो है बड़ा ध्यान दे रही है उसमें कि भाई ग्रीनरी ऐसी होनी चाहिए, पेड़ लगना चाहिए और पानी की कमी से, पानी की कमी भी जो इससे हो जाती है जो बरसात होती है ना, तो यहाँ पर सारा नाला, देखो बगल में नाला है, कटाव हो रहा है, देखो इसका MDDA जो ये प्लॉटिंग हो रही है, MDDA इसको देखता है या नहीं? इतना नहीं है, मैंने सुना है कि यहाँ पे R3 कराई गई है, ये R3 कराई हुई जमीन है शायद, ये MDDA के थ्रू कराई गई, लेकिन यहाँ पे अभी MDDA वैसे लागू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ये जमीन जो है हमें पता सुनने में आया कि MDDA द्वारा स्वीकृत की गई है, ये स्वीकृत की गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस इलाके के ठीक सामने जो ये सारा व्यवसायिक काम हो रहे हैं, ये ठीक उससे साथ लगा हुआ क्षेत्र? बिल्कुल 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 लगा हुआ क्षेत्र। ठीक है, फॉरेस्ट विभाग जो वन विभाग है, फॉरेस्ट विभाग भी मिला हुआ है, हमने कई बार मतलब व्यक्तिगत रूप से भी हमने वहाँ पे आपका इनके काफी फोन किया, बुलाया गया कि हमारे गांव में ऐसे पेड़ कट रहे हैं, लेकिन हमने उनसे बोला कि आप लिखित में शिकायत करो, तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी, कहते जब पेड़ कट जाएगा तब हम लोग आएंगे। मैंने कहा जब पेड़ कट जाएगा फिर
फिर आप लोग क्या करोगे आकर के? आप तो इस इलाके में बचपन से हैं, आप बिल्कुल आप मानते हैं कि इस इलाके में बहुत पेड़ पहले लगे हुए? बहुत पेड़ लगे हुए थे यहाँ पे, और काफी मतलब फल के बहुत पेड़ थे जो काटे गए हैं बिना एक परमिशन का, मतलब एक की परमिशन ली और 10-20 पेड़ काट दिए गए उसके साथ में। तो ये इतने 100 पेड़ काटने के बाद ये जो ग्रीन बेल्ट थी इसका सत्यानाश किया गया? बिल्कुल किया गया। वन विभाग यहाँ आने को तैयार नहीं है? नहीं है, वन विभाग को आते हैं लेकिन वो कंप्लेंट नहीं करते। आपके जो वन मंत्री है श्रीमान दिनेश अग्रवाल, वो इस क्षेत्र को ये कभी यहाँ उन्होंने भ्रमण करके देखा? नहीं, कभी नहीं आए। क्या कोई एप्लीकेशन पेड़ काटने के बारे में आप लोगों ने वन विभाग को सौंपी? क्या आपको लगता है आपको सौंपनी चाहिए? बिल्कुल सौंपना चाहिए, लेकिन हमने जब, क्योंकि जो इसका डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है गवर्नमेंट से, तो हम तो पहले वहाँ कंप्लेंट करेंगे एक नीचे बेस पे, वो आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ आने के बाद उन्होंने कभी भी आए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लिया आज तक कुछ नहीं। और गए थे, और मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन दे रखी है, वो उसके आगे जंगल काटा गया, पीछे जंगल काटा गया, तो उसके बाद मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं पर्सनली वहाँ गया, मसूरी गया हूँ, डीएफओ साहब के वहाँ पे ले देखे। यशपाल आर्य जी को इस संपत्ति की लूट में आप लोग देख, आपको लगता है कि वो सहभागी हैं और उन्होंने अपनी सत्ता का बिल्कुल दुरुपयोग किया गया, क्योंकि उसे ये तो बिल्कुल फिजिकल रूप से लगता है, भौतिक रूप से ये आपको दिख रहा है कि यहाँ जो है इन्होंने जमीन का भी अतिक्रमण किया हुआ है, और मैंने सुना कि पैसा भी आपसे लगा हुआ है, यहाँ पे जो पेड़ थे सारे वो सारे काट दिए गए हैं। ठीक, धन्यवाद। ये ऊपर से इन्होंने घोल फेंका ना, यहाँ से पानी कटे ताकि ये कटाव ना हो ना, इन्होंने आप अपनी उसको संरक्षित करने के लिए वो केमिकल डाल के किया ना इन्होंने। और हमारी जमीन कट गई, उसका पोषण लगा, हमारा पोषण लगा, अब हम तो खेती कर रहे हैं, हमने जमीन देखी नहीं अपने कोई भी, आगे भी पड़ेगी ऐसे। समझ गए, बोले बोली। हाँ जी, ये जल स्रोत है और यहाँ से जो है सर आपका ये सामने पुस्ता लगा हुआ है ना। अच्छा, ये सारा जल स्रोत है, सारा बरसाती दिनों में यहीं से पानी, सारा पानी से जाता है और इसको नाले जल प्रपातों से निकला हुआ है, नाले को भरने की पूरी कोशिश जी, और इसी से यही सामने जुड़ा हुआ इसका पुष्पा। दीपक जी, पुश्ता अभी हाल ही में बनाया हुआ लगता है? ये पुश्ता हाल ही में। अच्छा, ठीक है, ये सारा आपदा के धन से, सरकारी धन से बनाया हुआ। ये वहाँ पर पहाड़ पूरा काट रहा था ना, पहाड़ काट रहा था, हमारे वहाँ से पानी का स्रोत है। अच्छा, ये जो मिट्टी बह कर आई है ये सारा कटाव के और उसी के कारण से क्षति हुई है? बिल्कुल। ठीक, तो इसको भी देखेंगे। वैसे ये नीचे ये जो मिट्टी है, ये जो कटाव है और ये यहाँ तक मिट्टी है, ये कटाव इसी, अरे क्यों फोन कर रहे हो, उसी क्रम की ये मिट्टी का कटाव, पेड़ों का कटना और ये सब चीज़ें हैं, ये कंस्ट्रक्शन उसी की हुआ है, और ये कृत्रिम किस्म से ज़मीन बढ़ाने का एक तरीका भी है। क्या प्रॉब्लम है? रोड निकाल रहे हैं रोड निकालने के चक्कर में, ये तो बर्बाद है, कह रहा हूँ मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है फोन करके। प्रपोज है ये रोड, प्रपोज है ये पंचायत की, उसमें तो चेन्नई में क्या हुआ, चेन्नई में हुआ था ना पूरा शहर डूब गया। इसको कहा जा रहा है कि इसमें एक रोड बनना प्रस्तावित है, तो ये प्रस्ताव किसमें है? ये ग्राम सभा में, हमारा जो ग्राम सभा में जो प्रस्ताव होते हैं ग्राम पंचायत में हमारे,
तो सुनने में आया कि इसका प्रस्ताव हो चुका है काफी समय पहले। अच्छा, और इसको यानी एक जल स्रोत के ऊपर समाप्त करके उसको सड़क बनाने की योजना है, ताकि ये यशपाल साहब की जो ये संपत्ति है वो सड़क के करीब हो, संपर्क मार्ग हो, इसकी संपत्ति जो वैल्यू का एडिशन हो उसमें, बिल्कुल ठीक है ना, मूल्य का संवर्धन हो और ये उनको लाभ हो। बिल्कुल सही जी।